बहुत से लोगों को ये उत्सुकता होती है कि हम अपने बारे में उनको पूरी बात बताएं, तो यहाँ अगर हम बताएंगे तो पूरा दिन पूरी रात खत्म हो जाएगी और वो शायद हम नहीं बता पाएंगे। हम उसको एक संक्षेप में, हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि बनारस से हमने हमारी शुरुआत हुई थी। छोटे से थे, कुत्ते को भूखा देखा था, हमने खाना दे दिया था और वहीं से फिर हमारी कहानी शुरू हुई। एक तुलसी का घर में पौधा था तो हमने देखा कि लोग पानी चढ़ाते हैं, लाओ इनके हम थोड़ा तेल लगा दें। अब देखिए ये है पर्यावरण का, पर्यावरण सेवा का अनुभव। तो तुलसी जी को मैंने, छोटी सी थी, हमने उनके ऊपर तेल लगा दिए, तुलसी जी मर गई थी, ख़त्म हो गई थी, उसके लिए भी हमको डांट पड़ी थी। तो अक्सर जो बच्चे बहुत से चीज़ों का तोड़ फोड़ करते हैं तो उसकी आड़ में बहुत सीखते भी हैं, वो उनको बड़ी बड़ी जानकारियाँ हो जाती हैं। तो बनारस में भी हम पेड़ पौधे गमलों में लगाते रहे, लाते रहे, कहीं सड़क के किनारे देखा किसी ने गमले से पेड़ निकाल के फेंक दिया है और उसमें देखते रहे तो थोड़ी जान है, तो हम घर ले आए उसको लाके। एक शौक था, एक नशा था हमारे अंदर, पेड़ पौधा पशु पक्षी की पीड़ा समझना। तो हमको दो टाइटलें एक साथ मिली और दैनिक जागरण के एक शुक्ला जी थे, के एम शुक्ला साहब ने कहा कि आप इंडिया के पहले व्यक्ति हैं कि आपको एक साथ दो टाइटल मीडिया ने दिया है, पर्यावरण विद एवं पशु सेवी, पशु एवं पर्यावरण सेवी। ये साउथ में भी लोग कहते हैं और हर न्यूज में हमारे नाम के सामने आता है। तो वहाँ पर फिर हम जब बड़े हुए, फिर अपने रायबरेली आए, रायबरेली से अपने गांव गए। तो बाल्यावस्था से 10 साल की उम्र से और हम अपनी पूरी जवानी तक गांव में रहे, वहाँ तमाम हमने पेड़ पौधे लगाए। रात दिन अपने लोगों के मैं बाग लगवाता था, जाके पेड़ खरीद खरीद के देता था, इसका हमें एक नशा था और इसका लाभ हम आपको बता रहे हैं। एक फल का पेड़ आप खरीद के दान दे दीजिए किसी को, एक पेड़ दो पेड़ दान में दे दीजिए, दो चार दे दीजिए अगर ज़्यादा आपके पास पैसा हो, और उसको लगवाइए, उससे कहिए कि भैया इसको लगाओ, हम इसको आपको कुछ इनाम देंगे। अगर एक फल का पेड़ आपके द्वारा दान किया हुआ लग गया तो समझिए सैकड़ों मंदिर आपके बन गए, सैकड़ों। क्यों? आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, वो पेड़ रहेगा और उससे दान होता रहेगा। तो हमारा मतलब है कि हम फिर गांव में बहुत दिनों तक रहे, लोगों के बहुत सारे बाग बगीचे लगवा दिए और हमारे नाम से वहाँ पेड़ों को लोगों ने नाम रख दिया था। उसके बाद में भी शादी उदी हुई, फिर रायबरेली आना हुआ, हमने कोई बिजनेस नहीं किया, कोई सर्विस नहीं की। घर का खर्चा के लिए अपनी वाइफ को सर्विस में लगवा दिया, वो टीचर थी तो घर का खर्चा चलता था, और घर में जो हमारी कोठी बंगले खेती पाती काफ़ी थी हमारे यहाँ, तो उसका कुछ ना कुछ हमको सामान हमको मिलता था, तो हमारा उससे काम चलता था। लेकिन हम सादगी से रहे, अपना बाल हम अपने हाथ से स्वयं काटते थे। आज भी मैं अपना बाल अपने हाथ से काटता हूँ, ज़्यादा मैं बाल नहीं बढ़ाता हूँ, क्यों बाल हम बड़े करेंगे, दाढ़ी मेरी बड़ी हो जाएगी ना, तो 3 घंटे कंघा लेके हम संवारेंगे, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं हमारे पास सेवा का काम है, हमारे घर में जानवर एडमिट हैं सब, उसके भी वीडियो भाई साहब से कहेंगे एक आध दो वीडियो डालो, ये बाबा जी क्या कर रहे हैं, लोग देखें समझें। तो हम आपको एक रास्ता बताते हैं। देखिए धर्म के मामले में पैसे की जरूरत नहीं है, आप धर्म का काम करो बिना पैसे के, कम से कम में। फिर हमारा इसी तरह आगे बीता, फिर रायबरेली हम आए, फिर आकर के यहाँ गंगा जी के लिए जो था कि गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित होना है, तो बाबा रामदेव ने कहा कि एक दिन का लोग उपवास करें। तो हमने कहा एक दिन के, बाबा जी ने कहा तो है भाई, बाबा जी पूरे विश्व के, मैं उनकी भाई एक विश्व लेवल के बाबा हैं, वो बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने, लेकिन बाबा जी ने कहा तो है, लेकिन एक दिन अगर हम उपवास यानी रखेंगे तो उससे सरकार सुनने वाली तो नहीं है।
तो हम लोग डीएम के यहाँ वही ज्ञापन देने गए थे एक जुलूस की शक्ल में, तमाम लोग गए थे। अब वही लोग अपने डीएम के ऑफिस के सामने लोग अपने अपने माइक से अपने अपने बातें बोल रहे थे। हमारा नंबर आया तो हम भाई देखिए ब्राह्मण आदमी हैं, ठीक, हम हालांकि जातवाद को महत्व नहीं देते हैं लेकिन अब कुछ तो अब खून का असर तो होता ही है, तो ब्राह्मण में भी अगर ब्राह्मण हो और रंग काला हो तो वो लोग बताते हैं बड़ा भयंकर होता है वो, जैसे चाणक थे भयंकर काले थे लेकिन दूसरा चाणक पैदा नहीं हुआ। खैर तो हमारे एक सनक आ गई, हमने कहा एक दिन के ये लोग कह रहे हैं लेकिन कुछ होना नहीं है, तो हमने माइक पर माइक लिया और मैंने ये घोषणा किया कि जब तक गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित नहीं कर दिया जाएगा तब तक मेरा अनशन चलता रहेगा। हमारा क्रमिक अनशन था, सुबह से शाम 24 घंटे अनशन, जो आमरण अनशन लोग करते हैं वो एक नाटक है, वो जानते हैं कि सरकार हमको उठवा लेगी, हॉस्पिटल भेज देगी, खाना मुंह में डाल दिया जाएगा, वो एक नाटक है, वो नाटक ठीक नहीं है। काम जब तक ना हो जाए तब तक हमारा अनशन चलेगा। 49 दिन तक मैंने अनशन किया, हम काफ़ी और एक तो ऐसे पतले दुबले थे और सूख गए, हमारी वाइफ बहुत नाराज हो रही थी, लेकिन हमारे एक जिद था हम मर जाएंगे लेकिन लोगों को एक पूरी दुनिया लोग याद तो करेंगे कि यहाँ कोई बाबा था जो मर गया लेकिन उठा नहीं अपने जिद से। ये हमारे भारत की पहचान है, हमारे देश की पहचान है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो है सूरज और चंद्रमा की बात लिखी है, कब, जब कागज कलम लेंस लालटेन और टॉर्च नहीं था, हम उस देश के हैं, बीच कभी मरता नहीं है। लेकिन क्या प्रभु की कृपा, राम की कृपा, 49वें दिन हमारे मनमोहन जी ने, उनको मजबूर हो गए ना भाई, देखेगा हाहाकार मच जाएगा, बवाल ना मच जाए, और गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। और सिटी मजिस्ट्रेट जेपी तिवारी जो इस समय कोई बड़े पद पर फैजाबाद में है, उन्होंने मेरा अनशन तोड़वाया। दैनिक जागरण की खबर है, मैं फोटो के वो मेरे पास प्रमाण रखा है और फेसबुक में उसको बच्चों ने डाल दिया है। 49वें दिन हमारा अनशन खत्म हुआ और गंगा जी को राष्ट्रीय नदी अकेले ढंग से घोषित कराया। तो उसमें हमारा श्रेय नहीं है, हम श्रेय देते हैं बाबा रामदेव को, भाई शंखनाद उन्होंने किया ना, शुरुआत उन्होंने किया, हम तो बाबा रामदेव के एक सिपाही हैं, छोटे से सिपाही हैं, हमने काम किया तो भाई श्रेय तो हमको भी मिल गया। तो श्रेय भाई किसको नहीं अच्छा लगता है। हमने अपनी पत्नी से पूछा, ले भाई हमेशा तो हमारा तुमने विरोध किया, ये मत करो वो मत करो, तो अब देखा कितना, लेकिन अब औरतों का तो आप नेचर जानते, काम मिला तो हमने कहा देखो काम मिला छोड़ो, हमको सबसे बड़ी चीज़ ये मिली कि हम देश के लिए, हमने समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम किया, इससे बढ़ के कोई बड़ा पुरस्कार नहीं है। ये राष्ट्रपति सम्मान पाने वाले अपने भारत में 365 मिल जाएंगे, 365 मिलेंगे, लेकिन अकेले जब से गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने वाला व्यक्ति, दसियों हजार बाल और बानर भोज करने वाला व्यक्ति, लाखों लाखों पौधे लगाने वाला व्यक्ति, अपने आप में वो गर्व महसूस करता है कि हे प्रभु हमने कुछ किया, हमने अपने धर्म का पालन किया, लाख कोठी बंगला आपने हमको दिया, बहुत जमीन जायदाद थी हमारे पास, हमने उसका उपयोग नहीं किया, हम इसी भेष में रहे। और 97 के पहले तो हम पैंट और शर्ट में रहा करते थे, 1997 में कुछ कवि लोग आए और मेरा नाम रख दिया, कहे देखिए नाम था उस समय श्याम बाबू, अखबारों में भी छपे हैं दो कई बार, श्याम बाबू के मिश्र उर्फ श्याम बाबू, तो कुछ कवि लोग आए, उसमें एक थे अजीज हसन सिद्दीकी, सोदामा उनकी टाइटल थी, बहुत बड़े वो कवि थे, शेरो शायरी वाले थे, अजीज हसन सिद्दीकी साहब और राजेश चौरसिया, दो लोग आए, उन्होंने ऐसी चौपाइयाँ बोली, ऐसे मुहावरे हमारे सामने कह डाले, उन्होंने कहा देखिए बाबू का काम है सेवा देना,
और आप वो सेवा कर रहे हैं जो दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। लोग करते हैं वही काम, लेकिन वो संस्था बना के करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, वो गवर्नमेंट से पैसा लाते हैं, उनको मदद मिलती है, उनके पास बहुत से आदमी होते हैं, और हम हमारी बेटी और हमारा नाती, बस हम हमारी बेटी हमारा नाती, यही लोग हम लोग मिलके करते हैं अपना, और पूरा जीवन इसमें लगाया, लाखों रुपए घर के हमारे लग भी गए भाई। एक एक अब जो हमारी यहाँ एक बछिया जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ, आज वो करीब करीब 1.5 महीने से है, उसी बीच दो बंदर भी आए, सबकी वीडियो रखी है, दो बंदर आए, एक बंदर 11 दिन के बाद मर गया और एक बंदर बच गया, तो उसको हम जहाँ से लाए वहीं पहुँचा जाए, और उसने हमारे हाथ पे काट लिया था जिसको हमने पहले आपको निशान दिखाया है, या मैं फिर निशान दिखाता हूँ। तो कहने का मतलब है कि जान पर खेल करके निस्वार्थ भाव से जो सेवा करेगा वही वही राम है, वही राम की राम के मन का काम कर रहा है। रामम, रामम का अर्थ ही है राम, रामम, रामम का मतलब यह हुआ निस्वार्थ सेवा। तो प्रभु ने हमसे करवाया, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत ना मैं पढ़ा हूँ ना लिखा हूँ ना हमारे पास कहीं कुछ नहीं है, आप ही लोगों के बीच में हम कुछ इंग्लिश के और हिंदी के शब्द बोलना सीख गए, वो भी पक्के बोल पाएंगे, इंग्लिश ऐसे भी नहीं हम एक अक्षर भी नहीं बोल पाएंगे, तो यही है सब। या ये मतलब ये हमको प्रभु ने एक जैसे जुनून दे दिया, एक पूरी सड़क दे दिया, लोगों ने कहा ये पागल, बहुत लोगों ने कहा हमको, करोड़ों लोगों ने कहा पागल पागल पागल, हमने किसी की परवाह नहीं किया, हमने कहा चलो अच्छा है, हम पागल हो करके कम से कम एक अच्छा काम तो कर रहे हैं। तो हमारा आपसे कहना है कि देखिए राम जो चाहते हैं आप वो करें, इजादे तंत्र मंत्र और ताबीज और पूजा और पाठ के चक्कर में न पड़ें आप, राम जो चाहते हैं आप वही करो। राम क्या चाहते हैं, मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, ईर्ष्या मत करो, किसी के लड़ंगी मत मारो, किसी को किसी का नुकसान मत करो और किसी का दिल मत दुखाओ, यही राम चाहते हैं बस। और राम राम मुख से बोलो तब बोलो राम राम, वरना फिर तो यही होगा मुख में राम और बगल में छुरी, तो काम नहीं बनेगा। क्या कारण है कि तमाम हम लोगों को देखते हैं बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन वो चारपाई में पड़े पड़े टट्टी करते हुए मरते हैं, क्या फायदा है उनके पूजा पाठ करने से, क्या फायदा। हम SP साहब की रोज जाके SP साहब की हम वंदना करें, उनके जूते में हम पालिश भी करें, और एक होमगार्ड के सिपाही आवे और दो बेत हमको रोज मारे, तो SP साहब के जूते में पालिश करने से क्या मिला हमको, क्या जरूरत, क्या जब हमको रोज दो बेंट हमको लगने लगना है तो हम क्यों SP साहब की खुशामद करें भाई। जब हमको चारपाई में सरसों के मरना है तो हम क्यों हम भगत बने। लेकिन मेरा अंधा समाज टीका चंदन और सेंटर में तिलक लगा लिया, इसी रंग का कपड़ा पहन लिया तो बड़ा खुश हो गया, और जहाँ लोगों ने कहा बाबा जी तो और खुश हो गया, और जहाँ औरतें आईं बाबा जी के चरण छूने लगी और नोट चढ़ाने लगी तो बाबा जी और खुश हो गए। ये बाबा का काम नहीं है नोट लेना, बाबा का काम नहीं, बाबा का काम है रास्ता बताना। हमारे ऋषि मुनियों ने नोट नहीं लिया ना, मुद्रा नहीं लिया, तपस्या किया और मार्ग बताया, रास्ता बता दिया, और बीच कभी मरता नहीं। हो सकता है कोई ऐसी प्रभु की कृपा हो, हमारे अंदर उनकी आत्मा आ गई हो, तो हमारा मतलब अलग अलग। हमको भगवान ने भेजा कि जाओ भैया तुमको करके दिखाना है। तुलसीदास ने कहा, कबीर साहब ने कहा, राम ने कहा, रहीम ने कहा, कहा करके नहीं दिखाया, तो हमारी ड्यूटी लग गई कि अब हम, चूंकि दुनिया में कोई नहीं करता और मैं कर रहा हूं, तो लोग हमको पागल कहने लगे, कहेंगे अजीब पागल है, अजीब पागल है, लेकिन हमको हमने उसकी परवाह नहीं किया। आज उसका अंजाम यह है कि आज फेसबुक पर हमको बच्चों ने डाल रहा, हमको फेसबुक ABCD हमको नहीं आता है, बच्चों ने ही हमारे फोटो, कुछ फोटोज हैं, वीडियोज हैं, थोड़े बहुत उन्होंने भी डाल दिए हैं, वीडियो तो बहुत सारे रखे हैं, उनको डाल दिया है, तो उनको देखिए सीखिए समझिए, और पूरी दुनिया का कल्याण, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानिए। ये नहीं कि आप फलाने धर्म के हैं, हम फलाने मजहब के हैं, भगवान कभी बंटवारा नहीं चाहता है, आप अंधे हैं, आप मूर्ख हैं जो आपने को किसी को अपने से अलग मानते हैं। अरे मनुष्य हो, मनुष्य बने बने रहो, भगवान यही चाहता है।
क्यों? हम पहाड़ काट के रास्ता निकाल सकते हैं, हम नदी को मोड़ सकते हैं, है ना, हम हाइड्रोजन और ये एटम बम बना सकते हैं, तो हम मनुष्य नहीं बन सकते हैं। हमारे यहाँ हम पुड़िया खाते हैं कि किसी बंदर को आपने चश्मा लगाते देखा, किसी बंदर को डेंटिस्ट के पास जाते देखा, किसी बंदरिया को लेडी डॉक्टर के पास जाते देखा? नहीं देखा। और बंदर की मशीनरी और हमारी आपकी मशीनरी एक जैसी है। इस समय भयानक, आज 19 जनवरी है, आज 19 जनवरी 2016 है, इस समय भयानक बदली है, बारिश है। मैं जा रहा हूँ अभी बंदर खिलाने, इसी बारिश में रात भर वो भीगेंगे बंदर। उनके लिए ना मकान है, न उनके पास हीटर है, न उनके पास कपड़े हैं, और फिर भी वो हमको कल जिंदा मिलेंगे। तो हमको बंदरों से सीखना चाहिए, हमको जानवरों से सीखना चाहिए, हमको बच्चों से सीखना चाहिए। किसी बच्चे में देखिए उनके अंदर ना कोई जुनून है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को अगर आपने खुश कर दिया, एक गरीब बच्चे को या अनाथ बच्चे को, गरीब नहीं अनाथ भी हो, अगर बड़े घर का बच्चा है और उसके उसके अगर पिता ने दूसरी शादी कर लिया है, अरे भैया वो ऐसे बच्चे की सेवा करने का मौका मिल जाए, क्या आत्मा उसकी रो रही है, आत्मा उसकी दुखी है, और जिसकी आत्मा में दुख हो उसकी सेवा करके देखो। जितने तंत्र मंत्र है ना, फेंक दोगे उठा के, माला अंगूठी आपके सामने हम कहिए कुचल के फेंक के दिखा दें, और देखते हैं वो माला अंगूठी हमारा क्या बिगाड़ती है। हम कर्मयोगी हैं और कर्मयोग से बड़ा कोई योग नहीं है। और गीता में यही लिखा हुआ है, ध्यान दे के सुनिएगा, गीता में भगवान ने ही कहा है कि जो प्राणी मात्र में, जो जितने प्राणी हैं सब में अपने आप को देखता है, और जो सारे प्राणियों को अपने अंदर देखता है वही योगी है, वही सच्चा योगी है। हम सच्चा अपने ओर से बोल रहे हैं, उसमें लिखा है वही योगी है, वही बाबा है, वही साधु है। और आज हम क्या करते हैं, हम करोड़ों में जब खेलते हैं फिर भी आप हमको बाबा मानते हैं और पैसा देते हैं और आखिर में जेल में हमको डलवा देते हैं। अब हम दोषी नहीं हैं, दोषी आप लोग हैं, दोषी हमारा समाज है। हम करके दिखा रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं कि सीखो, हम तो चैलेंज करते हैं। हमारे भक्तों ने कहा है, कुछ हमारे भक्त लोग हैं उन्होंने पेपर में दिया है, 50 लाख का इनाम हमारे ऊपर रख दिया कि दूसरा श्याम साधु दिखाओ और 50 लाख ले जाओ। अखबार में छपने का मतलब जानते क्या होता है, वो गजट हो गई बात। अगर आप हमारा जोड़ा किसी को दिखा देंगे, उसी को जिसने इनाम को घोषित किया है, वो 50 लाख उसको देने पड़ेंगे चाहे जहाँ से थे। तो ये उनका बड़प्पन है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमने कोई इनाम पाने के लिए या हमको राष्ट्रपति, कितने लोगों ने कहा आप राष्ट्रपति के पास लिख के भेजिए, अरे हम कहा चले भाव में जाए हम लिख के भेजें, क्यों लिख के भेजें, कि उसकी हमको लालसा है क्या? अरे हम अपना काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति को अगर बात तो वहाँ तक, अगर कोई मनुष्य होगा तो राष्ट्रपति तक बात पहुँचाएगा, राष्ट्रपति गौर करेंगे, जाँच करवाएंगे, वो अगर वो पुरस्कार देने की इच्छुक हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम कहिए हम अपनी ओर से सिफारिश करें, हम मांगने जाएं तो हम वहाँ के राष्ट्रपति से पुरस्कार हमको अपने आप ही मिल रहा है। जो आज आपके सामने हम बोल रहे हैं, 50 लाख का इनाम हमारे ऊपर रखा गया, अभी दुनिया में किसी साधु पर, किसी बाबा पर इतना बड़ा इनाम नहीं रखा गया, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात। ठाकुर रत्नेश्वर सिंह भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जिला प्रभारी हैं, रायबली महाराजगंज साइड, रायबली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं ठाकुर रत्नेश्वर सिंह, वो रहवा स्टेट से जुड़े हुए हैं, वो राजघराने के हैं, जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के हैं, वो उन्होंने 50 लाख का इनाम रखा। एक ठाकुर साहब और थे हनुमान सिंह, उन्होंने 10 लाख का इनाम रखा था। तो लोगों की भावना है, लोगों को, लेकिन फिर भी हमारे समाज को, हमारा समाज कहता है कि देखो भाई हमको, हम हैं नाटकबाज, हम नाटक दिखाते हैं, बाबा तुम भी अपना नाटक दिखाओ, तभी हम तुम्हारे चरणों में, तभी हम पैसा चढ़ाएंगे और तुम्हारी बातों को सुनेंगे, मर चाहते हैं। अभी किसी महिला से कह दे कि जाओ बंदर को खिलाओ, हनुमान जी की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी, वो महिला के बात समझ में नहीं आएगी,
नहीं, कहें वो बंदर हमका काट ले, हमका कभी नहीं काटेगा। जब आप बंदर के बीच में घुस जाइए, बस बंदर से निगाह मत मिलाइएगा, भूल के कभी बंदर आपको नहीं काटेगा। हम तो बुढ़े हो गए बंदरों के बीच में उनकी सेवा करते करते, तो हम यही अपनी जीवनी के बारे में बताए कि बहुत सारे कुछ काम किए हैं। ये आप एक वो प्लास्टिक का डिब्बा अपने दरवाजे रखिए तार से बांध के, ताकि उसको कबाड़ी ना उठा ले जाए। प्लास्टिक के डिब्बे आपको कबाड़ी के यहाँ सस्ते मिल जाएंगे, उसमें पानी भरते रहिए। कोई जानवर आएगा उसमें पानी पी के चला जाएगा तो आपके घर की सारी बलाएँ अपने साथ ले जाएगा। आपका बड़ा काम बनेगा। आपका क्या लगा? पानी, आप पाइप लगा के पानी भर दो डिब्बे में। हम कोई खर्चे की बात नहीं करते, लेकिन अब आपसे कहें पानी भरो, उसमें सिंदूर लगाओ, काला तिल चढ़ाओ, अगरबत्ती सुलगाओ, जहाँ आडंबर हमने बताया तहाँ आपके बात समझ में आ गई, हो इसमें बाबा में दम है। अरे बाबा केवल सेवा की बात करता है। बाबा का कहना यह है कि तुम राम जो चाहते हैं वो करो, जो हनुमान जी चाहते हैं वो करो, जो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे वो करो। आप भगवान श्री कृष्ण का चाहा नहीं करते हैं, आप वही करते हैं जो दुर्योधन चाहता था। तो हमारे समाज में आज दुर्योधन की और रावणों की कमी नहीं है। और कबीर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, यह जग अंधा और के समझाऊं। उन्होंने पूरी दुनिया को अंधा कहा था, तो कोई गलत नहीं कहा था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।